न्यूज तो सारी ही बढ़िया होती है, पर सबसे बढ़िया न्यूज वही होती है जो कि समय पे मिले। नमस्कार मित्रों, मैं हूं आपका दोस्त आदित्यनाथ झा, इंस्पायर टू हिंदी से। और आज बहुत सारी खबरें हैं, मतलब इतनी सारी खबरें हैं कि कंपाइल करते करते दुखी हो गया मैं। तो आज बहुत सारी नई नई चीजें हुई है टेक की दुनिया में, जो कि आज की वीडियो में आपको बताऊंगा। तो अंत तक टिके रहिए। तो दोस्तों, सबसे पहले जो न्यूज़ आ रही है वो ये है कि सैमसंग गैलेक्सी S10 की जो चमत्कारी 5 रंग थे, जिनके बारे में मैंने पहले बताया था कि वो मेटालिक होंगे, लस्ट्रस होंगे देखने में, यानी कि मतलब चमकीले चमकीले से होंगे, पर अजीब से नहीं होंगे। तो उनकी कुछ ऑफिशियल इमेजेस बाहर निकल के आ रही हैं और आप देख सकते हैं कि कलर्स काफ़ी बढ़िया से लग रहे हैं देखने में, मतलब मेटालिक होते हुए भी थोड़ी ग्लॉसी फिनिश है उन पे, तो बढ़िया। आज की सेकेंड न्यूज़ जो है वो ये है कि सैनडिस्क की 4 टेराबाइट यानी कि करीब करीब 4000 GB से ऊपर की स्टोरेज वाली पेन ड्राइव, जो कि इतनी छोटी सी पोर्टेबल सी है, वो USB टाइप सी पेन ड्राइव का प्रोटोटाइप उन्होंने दिखाया CES में, और वो देखने में भी काफ़ी बढ़िया। और यार स्टोरेज कितनी फाड़ोगी, मतलब 4 टेराबाइट की USB टाइप सी पेन ड्राइव, मतलब डायरेक्टली इसमें लगा के काम कर लो यार ऐसी चीज़। प्राइस भी उसका काफ़ी महंगा होगा, अभी प्राइस कुछ क्लियर नहीं है। आज की अगली न्यूज़ जो है वो ये है कि Hisense U30 स्मार्टफोन है, 48 मेगापिक्सल प्लस 5 मेगापिक्सल ड्यूल कैमरा कॉम्बिनेशन वाला, पंच होल नॉच डिज़ाइन वाला, और मतलब देखने में ठीक ठाक ही फ़ोन है, उतना कोई ज़्यादा भी चमत्कारी नहीं है, बट स्टिल वो एक सही फ़ोन है देखने में। तो CES 2019 में उसका लॉन्च हुआ, आप देख सकते हैं देखने में कैसा लग रहा है। बाकी मैं इसके लिए ज़्यादा एक्साइटेड नहीं हूँ, क्योंकि ये भारत के लिए अननोन ब्रांड है। अगली न्यूज़ जो है वो Poco F1 के यूजर्स के लिए है। Poco F1 के यूजर्स खुश हो जाओ, जल्दी एक अपडेट आने वाला है जिससे कि 960fps स्लो मोशन मोड, नाइट मोड और 4K 60fps पे शूट करने का मोड उपलब्ध होने वाला है Poco F1 के ऑफिशियल जो कैमरा ऐप है उस पे। तो फाइनली मतलब वो जो 21,000 रुपये खर्चे थे वो उसका पूरी वैल्यू अब वसूल पाएंगे आप लोग। और खबर ये भी है कि बैटरी ड्रेन और टच के जो इश्यूज थे उसको भी ये अपडेट फिक्स कर देगा। तो मतलब ठीक ठाक फ़ोन शायद लग रहा है, कि उम्मीद है कि Poco F1 जो बीच में ख़राब हो गया था अपडेट से वो सही हो जाए। अगली न्यूज़ जारी हुई है कि Xiaomi के AirDots Pro, जो कि AirPods के सस्ते वाले कॉम्पिटिटर थे, वो मार्केट में अब ऑफिशियल हो चुके हैं। इनका प्राइस भी काफ़ी ज़बरदस्त है, सिर्फ $60 का इसका प्राइस है और 10 घंटे तक की क्लेम्ड बैटरी लाइफ Xiaomi द्वारा कही गई है। और इसमें मुझे एक और चीज़ अच्छी ये लगती है कि इन ईयर स्टाइल वाले ईयरपॉड्स हैं, और एप्पल ईयरपॉड्स बहुत कंफर्टेबल है, बहुत सही है, पर अगर आप शोर भरे एरिया में जाते हैं तो वहाँ पर कुछ सुनाई नहीं देता, क्योंकि उसमें नॉइज़ कैंसिलेशन है ही नहीं, क्योंकि वो कान को अच्छे से सील नहीं कर रहा होता। पर ये वाले कान को अच्छे से सील कर देंगे, वो सिर्फ $60 पर उपलब्ध होंगे। तो मुझे ऐसा लगता है ये एक बहुत ही ज़बरदस्त ऑल्टरनेटिव हो सकता है उन लोगों के लिए जिनको एयरपॉड्स जैसी फीचर चाहिए, पर उतना महंगा 12-13 हज़ार का वायरलेस ईयरफोन नहीं लेना जिसको घुमाना बहुत आसान हो। आज की अगली न्यूज़ जारी वो ये है कि सैमसंग का एक वॉच आने वाला है, उसको ऑन लीक्स ने लीक किया है, उस वॉच का कोड नेम है पल्स। तो ये मोस्ट प्रोबेबली उनका एक नया स्मार्ट वॉच होने वाला है, अभी ज़्यादा इन्फॉर्मेशन नहीं बाहर आई है, पर ऑन लीक्स वालों ने उसके कुछ कुछ मस्मस्ती तस्वीरें लीक कर दी हैं, जिसको देख के आप अपने मन को बहला सकते हैं। अगला लीक जो उभर के आ रहा है वो ये है कि एप्पल आईपैड मिनी 5 की कुछ तस्वीरें लीक हो चुकी हैं, जिसको मतलब खुफिया सूत्रों से पता लगा है ऐसा, और उस प्रोटोटाइप से ये पता चल रहा है कि उसका डिज़ाइन वगैरह कैसा है, बिल्ड वगैरह कैसा है। अभी कुछ खासा कमेंट नहीं कर सकते बिकॉज ज़्यादा लीक्स नहीं आई हैं, कुछ मेजर चीज़ें कन्फर्म नहीं हुई हैं, पर अभी के लिए आप देख सकते हैं कि कैसा लग रहा है देखने में। आज की अगली न्यूज़ ये है कि Zolo Era 4X और Zolo Era 5X आज भारत में लॉन्च हुए, और मैं वहाँ पे मौजूद था, और मेरी Era 4X की और Era 5X की अलग अलग वीडियोस आज रात तक मोस्ट प्रोबेबली आ जाएंगी। आज की अगली न्यूज़ ये है कि Asus जो स्मार्टफोन कंपनी है, उनके Asus डेज चल रहे हैं Flipkart पे। तो 9 से 11 तारीख तक Asus का जो स्मार्टफोन है Zenfone Max Pro M1, उस पर सीधे 1000 रुपये की छूट है सारे के सारे मॉडल्स पे, और भी कुछ कुछ अन्य अच्छे अच्छे ऑफर चल रहे हैं जिसको आप देख सकते हैं, और अगर आप वो फ़ोन लेना चाहते हैं तो आप इस ऑफर का फ़ायदा उठा सकते हैं। अगली न्यूज़ जो आ रही है वो ये है कि इंटेल ने अनाउंस करा इंटेल प्राउड H10 SSD, जो कि एक हाइब्रिड टाइप का SSD है। काफ़ी इसके मतलब इमेजेस वगैरह लीक होके आ रही हैं और इसके फीचर्स वगैरह आ रहे हैं, तो मुझे लग रहा है कि अब जैसे स्टोरेज के मामले में भी ये लोग सही काम करने लगे। इंटेल ऑप्टेन के साथ इन्होंने कुछ चीज़ें काफ़ी बढ़िया कर दी थी, क्योंकि वो सिस्टम्स जिनमें डेडिकेटेड SSDs नहीं है उसमें भी काफ़ी बढ़िया परफॉर्मेंस आ रही थी। तो अब लग रहा है कि ये हाइब्रिड स्टोरेज के साथ काफ़ी तेज़ी से आगे बढ़ रहे हैं।
अगली जो न्यूज़ आ रही है वो तो आनी बनती ही बनती थी कि एप्पल जो है वो अपनी आईफोन्स की प्रोडक्शन जो है नए वाले मॉडल्स की 10% से नीचे कर रहा है, क्योंकि उनको भी पता है भैया इतना महंगा फ़ोन कोई नहीं लेने वाला। तो मतलब सिंपल सीधी बात ये है कि अभी भी उन्होंने प्रोडक्शन डाउन कर दी है पर अपने आईफोन के प्राइस नहीं घटाए हैं। तो मेरे हिसाब से सारी जनता को उनके ओवर प्राइस फोन्स को बॉयकॉट कर देना चाहिए, बिकॉज अगर सब लोग मिलकर बॉयकॉट करेंगे तभी इनका दिमाग सही ठिकाने पर आएगा और प्राइसेस ठीक होंगे। अभी इन्होंने बहुत हद मार के प्राइसेस को इन्फ्लेट कर रखा है और इतने महंगे फोन मेरे हिसाब से किसी को नहीं लेने चाहिए। भले ही आपके पास अंधा पैसा हो, आप 36 से 40 हज़ार का कोई और फोन लेके वही सब कर सकते हैं जो कि एक आईफोन XS मैक्स या फिर XS पे होगा। अगली जो खबर आ रही है वो ये है कि निकॉन के Z सीरीज के जो कैमरा है उस पर फर्मवेयर अपडेट आने वाला है। तो ये कई मामलों में, कई चीजों के मामले में पीछे लैग कर रहा था। निकॉन के जो कैमरास थे वो पीछे लैग कर रहे थे सोनी वगैरह के कैमरास में। तो इसमें आई फोकस आ जाएगा कि मतलब जो सब्जेक्ट्स की आईज है उस पर प्रॉपर फोकस हो जाएगा। प्रो रेज रॉ आउटपुट यानी कि जो रॉ फुटेज वाला आउटपुट होता है वो आप एटमोस निंजा या कोई और एक्सेसरी निकाल के उससे अब ले पाएंगे Z6 और Z7 जो निकॉन के कैमरास हैं उनके साथ। और इसके अलावा CA एक्सप्रेस कार्ड्स के लिए इन कैमरास में सपोर्ट आ जाएगा इस फर्मवेयर अपडेट के बाद। अगली जो खबर आ रही है वो ये है कि AT&T जो बाहर का एक टेलीकॉम ऑपरेटर है वो मस्त वाला बंदों का काट रहा है, क्योंकि उन्होंने 4G नेटवर्क पे होते हुए ही अब यूजर्स को 5GE यानी 5G एवोल्यूशन का साइन दिखाना शुरू कर दिया फोन्स पे। 5G के तो भैया स्पेक्ट्रम ही अब तक लाइसेंस नहीं हुए हैं, वर्ल्ड वाइड डिसाइड ही नहीं हुआ कि कौन सा स्पेक्ट्रम सही से यूज होगा, और ये भाई साहब अभी से ही ये लोग 5GE चला रहे हैं। तो इस पे टी मोबाइल करके बाहर की कॉम्पिटिटर कंपनी है, उन्होंने उनको बढ़िया वाला ट्रोल करा और बोला कि भैया इतना आसान ही है कि बस एक लोगो को अगर बदल देना है तो हम भी बस ऐसा छोटा सा 9G का स्टिकर लगा लेते हैं और काम हो जाएगा। अगली जो खबर है वो ये है कि लेनोवो का योगा 1 करके एक सिस्टम लॉन्च हुआ है। ये 27 इंच की टच स्क्रीन के साथ आता है, इसमें वायरलेस चार्जिंग सपोर्ट करता है इसका जो बेस है, और ओवरऑल इसका डिजाइन वगैरह सही है। अगर ये हमको यूज करने को यहाँ पे मिलता है, लेनोवो वाले प्रोडक्ट भेजते हैं टेस्टिंग के लिए, तो आपको टेस्ट करके बताएंगे कि इसकी परफॉर्मेंस वगैरह कैसी है। तब तक के लिए ऑन सरफेस ये ठीक लग रहा है और ये माइक्रोसॉफ्ट के सरफेस के ही तर्ज पे बनाया गया प्रोडक्ट है, तो ऑलमोस्ट वैसा ही इंस्पायर्ड लगता है देखने में। अगली जो न्यूज आ रही है वो ये है कि Asus ने अपना ROG लैपटॉप का नया मॉडल निकाला है Gun God 2S, जिसके अंदर i7 हेक्साकोर का 144Hz की डिस्प्ले होगी। NVIDIA का RTX 2060 कार्ड का मोबाइल एडिशन होगा उसके अंदर, और ओवरऑल परफॉर्मेंस की बढ़िया होगी। प्राइसिंग तो इसकी ऑलमोस्ट 21,000 युआन यानी करीब करीब 2,16,000 रुपए के करीब होगी, तो काफी महंगा है और सिर्फ गेमर्स के लिए है। तो अगर आप एक गेमर हैं तो इंतजार कर सकते हैं इस लैपटॉप के यहाँ पे आने का। मुझे ऐसा लग रहा है कि इसी लैपटॉप का किसी और नाम से इंडिया में लॉन्च होगा, जल्द ही समय आने पे पता चलेगा। Asus वगैरह के लैपटॉप्स तो हम यहाँ पे कवर करते ही रहते हैं, तो आपको उसका गेमिंग रिव्यू और फुल एकदम परफॉर्मेंस वाला रिव्यू भी जल्द ही मिल जाएगा। अगली जो न्यूज आ रही है वो एक बहुत ही जबरदस्त वाला लीक है गेमर्स के लिए। NVIDIA का एक कार्ड GeForce GTX 1180 बेंचमार्क्स पे लीक होता हुआ दिख रहा है। ये कार्ड मतलब एक ऐसा कार्ड होगा जो कि RTX सीरीज से तो नीचे है बट परफॉर्मेंस ऑलमोस्ट उसी लेवल का दे रहा है। मोस्ट प्रोबेबली इस कार्ड के अंदर रे ट्रेसिंग वगैरह का सपोर्ट नहीं होगा, बट जो 1180 कार्ड है उसके बेंचमार्क से ये पता चल रहा है कि ऑलमोस्ट RTX 2080 जैसी परफॉर्मेंस ये दे पाएगा गेम्स में विदाउट रे ट्रेसिंग। तो लीक्स के हिसाब से तो ये पता चल रहा है कि इसमें ट्यूरिंग आर्किटेक्चर यानी जो नया वाला आर्किटेक्चर है RTX वाला वही यूज किया गया है, बट मोस्ट प्रोबेबली इसके अंदर रे ट्रेसिंग नहीं होगी क्योंकि इस कार्ड का नाम हर जगह GTX 1180 नाम से आ रहा है। तो अभी इस खबर को चुटकी भर नमक के साथ लेते हैं, अभी कुछ क्लियर नहीं है कि कैसा हो रहा है क्या हो रहा है, बाकी समय आने में पता चलेगा कि क्या ये कार्ड फाइनली आता है कि नहीं। और अगर ये कार्ड फाइनली बाहर निकल के आता है तो याद रखिएगा कि ये लीक सबसे पहले इंस्पायर टू हिंदी पे आई थी। पीस। अगली जो मस्त गेमिंग से रिलेटेड खबर आ रही है वो ये है कि Asus का ROG मदरशिप एक 17 इंच की डिस्प्ले वाला लैपटॉप लॉन्च हुआ है। ये मतलब एक ऐसा लैपटॉप है जिसके अंदर डिटैचेबल कीबोर्ड है, जो मतलब ऑलमोस्ट जैसे आपने उसको निकाला कीबोर्ड डिटैच किया और ऑलमोस्ट ही पूरी गेमिंग सिस्टम वाली फील ले लो। मतलब एक ऐसा लैपटॉप जिसके अंदर सारा डिजाइन वर्टिकल है ताकि हीट उसमें अच्छे से डिसिपेट हो जाए, बाहर निकल जाए, और गेमिंग के लिए भी झटके से कीबोर्ड उसी में से बाहर निकाला और गेम खेलना शुरू कर दिया। मतलब क्या चमत्कारी काम कर रखा है, मतलब बढ़िया डिजाइन लगा। पहली बार मुझे ऐसा लगा किसी लैपटॉप के डिजाइन में बहुत ही जबरदस्त वाला इनोवेशन किया गया है। अगली ऐसी एक और गेमिंग से रिलेटेड न्यूज है कि डेल ने एक और नया लैपटॉप लॉन्च किया है, Alienware Aria 51M। अब ये जो लैपटॉप है इसकी खतरनाक बात यह है कि इसमें डेस्कटॉप वाले कंपोनेंट लगे हुए हैं, यानी कि इसके अंदर कोर i9 9900K तक का प्रोसेसर लगा सकते हैं और RTX 2080 तक का डेस्कटॉप वाला ग्राफिक कार्ड आप इसमें लगा सकते हैं। तो इन्होंने इसको मार्केट किया है ये बोल के कि भाई मतलब इसके अंदर आप डेस्कटॉप लेवल के कंपोनेंट्स लगा सकते हैं और ये अपग्रेडेबल भी है, यानी भविष्य में उस कंपोनेंट को हटा के आप दूसरा डेस्कटॉप लेवल का प्रोसेसर डाल सकते हैं। तो ये काफी बढ़िया पॉइंट लग रहा है मुझे, लेकिन
काफ़ी महंगा $2,000 से $3,000 के बीच का ये लैपटॉप होगा, तो समय बताएगा कि क्या ये लैपटॉप भविष्य में आने वाले इंटेल के चिप्स या फिर और जो अन्य ग्राफिक कार्ड आएंगे उनके साथ कंपैटिबल होगा कि नहीं होगा, क्योंकि इंटेल वाले तो अपना आर्किटेक्चर ही ऑलमोस्ट एक एक दो दो साल पर बदल देते हैं। तो दोस्तों आज की टेक न्यूज़ के लिए इतना ही। अगर आपको ये टेक न्यूज़ पसंद आती है तो ऐसे ही उस लाइक बटन पे प्रकाश डाल दीजिए और नीचे जो सब्सक्राइब वाला लाल बटन है उसको हिट कर दीजिए और एक घंटा होगा नीचे उसको बजा दीजिए। और याद रखिए, हमेशा की तरह सतत निरंतर आगे बढ़ने के लिए प्रेरित रहिए।